हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबको स्वागत करते हैं एक नया टॉपिक के ऊपर, जहां हम डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो से आपका कोई भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करे सीखते हैं डीएनए स्ट्रक्चर। तो अगर आपको कोई पूछे कि डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में जानना क्यों जरूरी है, वाई, तो हम बोलेंगे कि डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, जहां हर ऑर्गेनिज्म का मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट छुपा होता है, क्योंकि डीएनए ही डिसाइड करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक बंदर बनेगा या एक ह्यूमन बनेगा या फिर एक प्लांट बनेगा। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जब भी हम एक घर बनाते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट पहले तैयार करते हैं। तो सिमिलरली हमारा सेल जो है उसमें एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी मौजूद रहता है कि वो ब्लूप्रिंट से वो सेल फाइनली किस ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। तो डीएनए जो है हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स में होता है, सेल्स के न्यूक्लियस में होता है, और वो एक्सप्रेस होता है थ्रू आरएनए। आरएनए प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स, जो कि दो टाइप के होते हैं। एक हो गया स्ट्रक्चरल, एक हो गया फंक्शनल प्रोटीन। और जो ये दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स, मिलके डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का सेल होगा। टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके डिसाइड करेंगे किस टाइप का टिश्यू होगा, टिश्यू डिसाइड करेंगे किस टाइप का ऑर्गेन होगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेन सिस्टम मिलके डिसाइड होगा कि फाइनली वो कौन सा ऑर्गेनिज्म बनके निकलेगा। तो इसीलिए हमको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें जो सुगर प्रेजेंट है वो डीऑक्सीराइबोस सुगर है, ठीक है। और अगर डीएनए को डिफाइन करना पड़े तो हम कह सकते हैं सिंपली कि डीएनए इज ए लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि एक लीनियर स्ट्रक्चर है और वो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है। ये जो बीट्स की तरह मैंने दिखाया है आपको, वो आप न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए अभी के लिए। तो अभी हमको पता लगाना है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और ये जो बैकबोन है, ये जो चेन है, वो कैसे बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड बनता है तीन चीजों से। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोस सुगर, और तीसरा फॉस्फेट। अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर मिल जाए तो हम बोलते हैं उसको न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये बन जाता है न्यूक्लियो टाइप। तो अभी हम हर एक कंपोनेंट को ध्यान से देखेंगे। पहला चलते हैं हम नाइट्रोजनस बेस के ऊपर। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारा दो टाइप का होता है, एक तो
डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। डबल रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्यूरिंस और सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पाइरिमिडिंस। प्यूरिंस अगेन हमें दो टाइप का प्यूरिन मिलता है, एक है एडिनिन, दूसरा है ग्वानिन। पाइरिमिडिन हमारा सिमिलरली दो टाइप का पाइरिमिडिन है, एक है साइटोसिन, दूसरा है थायमिन। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन चारों पाया जाता है, पर अगर हम आरएनए की बात करें तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो रहता है, पर थायमिन की जगह हमें क्या मिलता है? यूरासिल। आरएनए में थायमिन हमें नहीं मिलता। तो ये एक पहला डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच। यहां दिखाया गया है आपको चारों नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा पेंटोस सुगर। पेंटोस सुगर हमारा दो टाइप का है, एक है डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए में पाया गया है और एक है राइबोस जो आरएनए में पाया जाता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें पेंटोस सुगर का, यह है फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यह हो गया फिफ्थ कार्बन। तो अगर हम स्पेसिफिकली आरएनए के बारे में बात करें, वहां राइबोस सुगर मिला जाता है और राइबोस सुगर में यह है कि एट द सेकेंड पोजिशन कार्बन देयर इज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पर वही डीएनए में डी ऑक्सीराइबोस सुगर पाया जाता है जहां कि यहां ऑक्सीजन ग्रुप मिसिंग रहता है सेकेंड कार्बन में। तो ये एक अनदर डिफरेंस हो गया आरएनए और डीएनए में, जहां आरएनए में राइबोस सुगर पाया जाता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस सुगर पाया गया है। अभी जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर है वो दोनों मिलके बनाएंगे हमारा न्यूक्लियोसाइड। ये है न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस सुगर। अभी ये जो बेस है वो इन चारों से कोई भी हो सकता है डीएनए के केस में। तो अगर इसमें एडिनिन होगा तो इसको बोला जाएगा एडिनोसिन, इसमें अगर होगा ग्वानिन तो इसको बोला जाएगा ग्वानोसिन, अगर इसमें होगा साइटोसिन तो इसमें बोला जाएगा साइटिडिन, और अगर इसे बेस थायमिन होगा तो इसको बोला जाएगा थायमिडिन। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। पर डीएनए बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोसाइड्स की नहीं न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत है। तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेगा? अगर न्यूक्लियोसाइड्स में सिर्फ हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां देख सकते हो ये न्यूक्लियोसाइड था, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना था, तो अभी यहां एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हो गए। अगर इसमें एडिनिन होगा तो इसको बोला जाएगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि सिर्फ यहां एक ही फॉस्फेट लगा हुआ है। पर डीएनए बनने के लिए हमें मोनोफॉस्फेट की नहीं ट्राईफॉस्फेट की जरूरत होती है। तो अगर इसमें और दो फॉस्फेट लग जाएंगे तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से हमारा बन जाता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। वैसे ही उसी तरह अगर ग्वानिन होगा इसमें तो ये हो जाएगा ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट अगर सी होगा, और अगर टी होगा तो थायमिडिन ट्राईफॉस्फेट। तो हमारा न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए का मोनोमर है वो अभी बन चुका है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए है, अभी हमें इसको एक पॉलीमर बनाना है विथ एडिशन ऑफ
मेनी मोर न्यूक्लियोटाइड। तो देखते हैं अभी ये चेन कैसे बनेगा और एक फाइनली एक डीएनए स्ट्रैंड कैसे तैयार होता है। तो दोस्तों हम यहां एक न्यूक्लियोटाइड को ड्रॉ करते हैं। जिसमें एडिनिन है ऑलरेडी। तो अभी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इसमें अगर जुड़ेगा, पकड़ लीजिए ये जी वाला विथ ट्राइफॉस्फेट। हमेशा याद रखिए जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें ट्राइफॉस्फेट होना बेहद जरूरी है। तो ये जुड़ने के लिए पहले तो वो एंजाइम जो काम करता है ये चेन बनाने के लिए, वो पहले इस ट्राइफॉस्फेट को क्लिप करेगा यहां इस पॉइंट पे, और ये जो दो फॉस्फेट है जिसको हम एक साथ पायरोफॉस्फेट यूनिट कहते हैं वो इस बॉन्ड से टूट जाएगा और जो एनर्जी निकलेगा इसमें इसमें से वो यूज होगा इस फॉस्फेट को इधर लिंक करने में, 3-OH पॉइंट पे लिंक करने में। तो क्या होता है, इस दो न्यूक्लियोटाइड के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है और उसको हम बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो हम इस नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरली देख सकते हैं कैसे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ऐसे बहुत सारे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म होके ये डीएनए बैकबोन जो है वो तैयार करेगा। अभी ये जो बैकबोन है इधर, ये जो बैकबोन फॉर्म हुआ है वो बहुत स्ट्रांग है और माइनर चेंज ऑफ पीएच या टेम्परेचर इस बॉन्ड को या इस चेन को तोड़ नहीं सकता, पर कुछ एंजाइम्स है जो इस चेन को बीच में से या साइड में से क्लीव कर सकता है, काट सकता है। वो एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियसिस। ये कैंची की तरह काम करता है और दो टाइप का होता है, एक तो है एंडोन्यूक्लियस, एक है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है ये बीच से काटेगा इस चेन को, और एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है ये साइड साइड का जो भी न्यूक्लियोटाइड है उसको काट काट के बाहर निकाल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, कि ये जो आपको चेन मिल रहा है ये सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, पर इन नेचर ये सिंगल स्ट्रैंड कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसको एग्जिस्ट करने के लिए और एक स्ट्रैंड का होना बहुत जरूरी है। ये दूसरा स्ट्रैंड कैसे बनता है, वो स्ट्रैंड बनता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। अगर इसमें एक न्यूक्लियोटाइड है ए, तो ए हमेशा दूसरे स्ट्रैंड के टी के साथ बॉन्ड बनाएगा जो कि डबल स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसको हम देखते हैं यहां, तो जो ए होता है वो हमेशा टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जी जो है वो हमेशा सी के साथ बॉन्ड करता है, पर इन दोनों के बीच का बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो नेचुरली ये समझना बहुत इजी हो जाता है कि ए और टी में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कंपैरेटिवली वीक है जी और सी के तुलना में, मतलब ए टी बॉन्ड वीक और जी सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। बट ये दोनों ही वीक है अगर हम कंपेयर करेंगे इस बैकबोन डीएनए बैकबोन के तुलना में। तो दोस्तों ये जो सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए हमने देखा कैसे बना, तो अभी आफ्टर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हम देखेंगे ये डबल स्ट्रैंड हो गया, और इसके बीच अगर हम बेसिस की बात करें वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होगा। ए हमेशा टी के साथ बाइंड करेगा विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी हमेशा सी के साथ बाइंड करेगा विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड।
और ये बात समझना बहुत आसान हो जाता है कि ए टी बॉन्ड वीक है क्योंकि इसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जी सी बॉन्ड ए टी बॉन्ड से कंपेटिबली स्ट्रांग है बिकॉज इसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। पर ये दोनों बॉन्ड्स जो भी दिखाया गया है वो कंपेरेटिवली वीक है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जो डीएनए बैकबोन में पाया जाता है, क्योंकि इसको बनाने में हमारा बहुत सारा एनर्जी इन्वेस्ट हुआ है। आपको याद होगा जो फॉस्फेट से एनर्जी निकला था, फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी निकला था वो बहुत ज्यादा है, तो इस बॉन्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट हुआ है इसलिए वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि डीएनए स्ट्रक्चर का ये खासियत है कि बेस पेयर्स हमेशा कंप्लीमेंट्री रहेंगे, और जो बैकबोन है डीएनए बैकबोन है वो एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल होंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये अच्छे से दिखाया है। ये देखिए 5 डेज एंड है ये बैकबोन है, और ये 3 डेज एंड, तो दूसरा जो स्ट्रैंड है डीएनए का उसमें नीचे होगा 5 डेज और ऊपर होगा 3 डेज एंड, और इन दोनों को हम एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। पर इनसाइड ए सेल ये जो डीएनए स्ट्रैंड आपको दिखा गया है इतना सिंपली ऐसे पैरेलल में नहीं रहता, ये हमेशा एक ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है इस तरह से, और जो बेसेस है वो अंदर की तरफ हमेशा रहते हैं बिकॉज बेसेस आर हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट, और ये जो बैकबोन है वो है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। और हमें पता है कि सेल के अंदर एक्वा सॉल्यूशन रहता है, तो इसीलिए जो बैकबोन है वो हमेशा आउटसाइड की तरह रहता है वाटर के साइड पे, और ये बेसिस जो है वो हमेशा अंदर की तरफ सिकुड़ा रहता है। ये तो हो गया आपका डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो अंत करते हैं, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है दोस्तों तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो जेनेटिक्स और सेलुलर बायोलॉजी के वीडियोस है मैं लगातार लाता रहूंगा और आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूंगा। नीचे कमेंट कीजिए कि और क्या हो सकता है वीडियोस को सुधारने के लिए, और आपको अगर कोई कंफ्यूजन है या परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इतने टाइम बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।